और महासमुंद जिले के घाटकछार गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। यहां आकाशीय बिजली की चपेट में 11 महिला मजदूर आए हैं और जिनमें से मौके पर ही 5 महिलाओं की मौत हो गई, तो वहीं 6 महिलाएं इस हादसे में घायल हो गईं। घायलों को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है और सीएम बघेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों के पूरे उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है और इस आकाशीय बिजली के कहर में 11 मजदूर आ गए हैं। कोंडा गांव से हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पानी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल आत्मानंद स्कूल के 9 बच्चे स्कूल में एग्जाम देने के बाद ग्राम दांडिया स्टॉप डैम घूमने आए थे, जिसमें 4 छात्र पानी में डूब गए और इस दौरान 2 बच्चों की शव बरामद किए गए हैं। वहीं बच्चों की तलाश भी की जा रही है। और आपको बताते चले कि यह डैम कोंडा गांव से महज 10 किलोमीटर दूर है। यह डैम काफी बड़ी तो नहीं है, लेकिन एक जगह काफी गहरा है। बताया जा रहा है कि गहराई में जाने की वजह से बच्चे डूब गए हैं। कि वहाँ जब बच्चे खेलने लगे तो वहाँ पानी कम था तो वहाँ से बच्चे खेलने यहाँ आए, और यहाँ खेलने आते ही एक बच्चा जैसे ही डूबने लगा उसको बचाने के चक्कर में 5 बच्चे गए, जिसमें से एक बच्चा वापस बच के आ गया और 4 बच्चों को मतलब वो डूबने लग गए। उसके बाद मैं और मेरे दोस्त अजहान खान हम दोनों बुलाने गए वहाँ जो गाय चराते हैं 2 दादा लोग को, और वो दोनों दादा आके 2 बॉडी निकाल दिए और दोनों बॉडी को हम पुलिस को फोन कर दिए। उतने में उसके बाद हम एम्बुलेंस में उसको चढ़ा के भेज चुके हैं। उसके बाद 2 बॉडी मिली ही नहीं, वो दादा लोग भी हार मान गए क्योंकि पानी बहुत गहरा है। आत्मानंद स्कूल के 9 बच्चे आज यहाँ बफना दरियापारा नाला में नहाने और पिकनिक टाइप से मनाने के लिए घूमने आए थे, जिसमें से 4 बच्चे का डूब करके खत्म हो गया है, ऐसा बाकी जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं। टोटल 9 बच्चे थे, जिसमें 5 लोग सुरक्षित हैं। 2 बॉडी निकल गई है, 2 बॉडी अभी भी अंदर फंसी हुई है, उनको निकालने का कोशिश किया जा रहा है, बहुत जल्दी उनको निकाल लिया जाएगा। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से पीड़ित महिला की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 साल से महिला किडनी की बीमारी से पीड़ित थी और महिला का घर में इलाज चल रहा था और घर पर ही महिला का पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा था, पर वहीं अब महिला की मौत हो गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक किडनी की बीमारी से पिछले 9 सालों में ये 82वीं मौत है। ये 22वां मौत है। सरकार ने अभी तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया। 2005 से 2022 के बीच में आज 82 मौत हो चुका है, और कितना मौत चाहिए पानी के लिए, कितना और लड़ाई चाहिए हम लोग। हर दिन मौत हो रहा है, हर दिन किडनी पीड़ित का और बढ़ते जा रहे हैं।